श्रद्धांजलि सभा। माकपा नेत्री झारखंड सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, इस राज्य की कानून व्यवस्था ठप, अपराधी बेखौफ। 26 जुलाई 2023 को सीपीआईएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या की गई थी, जिसको लेकर पूरे झारखंड के नेताओं में रोष है। आज राजधानी रांची के दलादली चौक में दिवंगत नेता सुभाष मुंडा की प्रतिमा का अनावरण माकपा नेत्री वृंदा करातने के द्वारा किया गया और दलदली चौक को शहीद सुभाष मुंडा चौक का दर्जा दिया गया। मौके पर सुभाष मुंडा श्रद्धांजलि सभा में हजारों की संख्या में मिलकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण सम मौन धारण किया गया। इस मौके पर वृंदा करात ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड के लिए यह चिंतनीय विषय है, जिस प्रकार से शहीद कॉमरेड सुभाष मुंडा को उनके दफ्तर में किसी सातिर अपराधी के द्वारा गोली मार दी जाती है, जिससे पूरा राज्य चिंतित है। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची में इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। मैं इस हत्या को इस रूप में देखती हूँ कि लाल झंडे को हाथ में लेकर एक नौजवान ट्राइबल आदिवासियों की संघर्ष और जमीन की बचाव के लिए संघर्ष किए हैं और तब उसकी हत्या होती है, तो उस रूप में निश्चित रूप पर राजनीति का मतलब जो लोग वो राजनीति करते हैं लैंड माफिया की लूट की, उसके खिलाफ सुभाष ने हमेशा आवाज उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।